सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का व्लॉग बेसिकली बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हो, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं स्कॉलर्स एकेडमी या फिर कलाम प्रोजेक्ट इंडिया। इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और फोर्थ ईयर में आ गए हो तो भाई प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो फिर मैं अपना प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट वहीं पे मिलूँगा क्योंकि ऑटो ऑटो बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं एकदम अच्छा रिव्यू दूंगा, मतलब अच्छा मतलब ऑनेस्ट रिव्यू, है ना? आप लोगों को मालूम है एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो में बने रहना एंड तक। ठीक है, मतलब चलो चलते हैं। सो भाई लोग, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो फिर मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट बहुत, मतलब बहुत सारे क्लासमेट पहले से यहाँ पे थे। कुछ क्लासमेट चले गए, मतलब वीडियो में नहीं आ पाए। ठीक है, आप लोग सामने देख सकते हो, ये जितने भी लोग हैं वो सब मेरे क्लासमेट हैं, और ज़्यादातर सभी बंदों ने, मतलब मैं अगर मैं 90-100 में से बताऊँ तो फिर 90% बंदों ने यहीं से बनवाया, इन्हीं सर के पास से, और 10% लोगों ने खुद से बनवाया। तो खुद से बनाने वालों के पास भी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने सोचा क्यों ना अंदर का टूर करा दूँ, तो भाई कुछ ऐसा है, और यहाँ पे शायद वो बंदा मैगी बना रहा था शायद, है ना? मुझे तो ऐसे ही लगा मैगी बना रहा था, लेकिन यहाँ पे हर एक काम होता है कि मतलब हर एक जो भी प्रोजेक्ट है यहीं पे कनेक्शन वनेक्शन होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पे जो IoT बेस्ड जितने भी प्रोग्रामिंग व्रोग्रामिंग होते हैं, टेस्ट वेस्ट किया जाता है, जहाँ तक मुझे। ठीक है, तो फिर ये ऐसा दिखता था। और यहाँ पे भाई बेंचेस भी लगी थी, इसका मतलब भाई यही है कि जिनके वास्ते मैं बनवा रहा था, जो कि सर है, वो फ्यूचर इंस्टीट्यूट के वो थे, प्रोफेसर थे, और कोचिंग भी पढ़ाते, स्कॉलर्स एकेडमी उसी के नेम से था। और यहाँ पे मैं दोस्त कह रहा था व्लॉग बना रहा है बंदा, हमने कहा नहीं भाई व्लॉग व्लॉग नहीं बना रहा। उसके बाद सभी बंदे चले गए, और अब मेरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग होने वाली थी। और अभी मेरे प्रोजेक्ट के टेस्टिंग की वीडियो मैं लगा दूंगा, लेकिन भाई उसमें थोड़ा सा सीन ऐसा हो गया था कि जो मेरे सोलर पैनल की जो डायरेक्शन है ना, वो अपोजिट मूव कर रही थी। मतलब हम लोग, मतलब सनलाइट, मतलब हम लोग कहीं पे भी लाइट, मतलब अगर हम लोग एक डायरेक्शन में दे रहे थे तो वो उसी के अपोजिट जा रही थी। तो फिर वो भी उसी समय सर ने सही करा दिया था, तो ये जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना? और फिर उसके बाद मेरे दोस्त लोग मिल गए, कह रहे भाई वीडियो वीडियो मत बना। उन्होंने कहा नहीं भाई वीडियो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ मैं, है ना? और एक बंदा कह रहा था ब्लॉग ब्लॉग कर, कन्फर्म हो डालोगे? हमने कहा नहीं 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 भाई। अब चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सर ने वहाँ पर क्या क्या बताया मुझे। टेम्परेचर सेंसर है, ये LDR है सारे, लाइट डिपेंडेंट है, इससे चारों लगे हैं, ये सर्वो मोटर लगी है, एक ऊपर लगी है, एक इसके नीचे लगी है सर्वो मोटर, 60 डिग्री है, तो डुअल सर्वो मोटर लगी है। ठीक, ये पावर सप्लाई है तुम्हारा, हाँ, ये ESP कंट्रोलर है, ये एप्लीकेशन हो गया, ये वेदर मॉनिटरिंग के लिए जो उनका पार्ट है वो डिजिटल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर से शो करेगा सारा। तो इसके थ्रू जैसे हम देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने की, ह्यूमिडिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यस सर, 16.3, यस सर, 87। तो इस हिसाब से जितना भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा वो आपका शो हो जाएगा सारा का सारा स्टफ पे। अब ये क्या है इसके अंदर, यहाँ पर आपको एक नीचे ब्लॉक में इसको फंसाना पड़ेगा, क्योंकि गियर्स हैं सारे के सारे, नीचे वाले सर्वो मोटर पे ऊपर वाली भी सर्वो मोटर लगी है, और ये LDRs लगे हैं चारों तरफ। अब LDR पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो सीधे शो होगा, जैसे हम इधर शो करेंगे, हाँ ठीक है, यस सर, अब ये वापस आएगा, ठीक, इधर शो करेंगे हम लोग, तो ये साइड चला गया, उस साइड चला गया, इधर शो करेंगे हम लोग, ये भी मोटर का सेट निकल गया है इसमें से, अब जैक होगा, हटाइए, ठीक है, यस, अब इधर करेंगे, ठीक, होल्ड, ठीक, तो मैं समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ें भी तुम्हें, यस सर, पास से आओ बेटा, यस सर, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ESP कंट्रोलर है, ये भी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, और ये भी LDR है तुम्हारा, ये पावर सप्लाई है, ये ESP, ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये सब काउंटर वेट के लिए ऐसे रख दिया है सामान इसके अंदर, ये सर्वो मोटर तुम्हारा नीचे हो गई, ये तुम्हारा सोलर पैनल हो गया, यस, ठीक, तो मैं समझा दूँ, तुम ये ले जाओ एक्सटेंशन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अगर हम दोनों सेंसर को एक साथ हाई करेंगे, इस पे और इस पे एक साथ लाइट करेंगे, तो इस तरफ तो मूव करेगा ये,
हाँ, और जो हमारा बेस है वो बेस भी मूव कर जाएगा इसी तरफ को। अच्छा ठीक है। और ये हमारा ये तो हमारा हो गया एलडीआर सेंसर्स का वर्किंग हो गई, 360 डिग्री कवर कर रही है। चाहे सर हमारा यहाँ हो, यहाँ से मूव करेगा। एक बार अर्थ का देखा जाए ना स्फेरिकल, हाँ ऊपर ऊपर ही होता है सन, तो हमारा ये नीचे आएगा ऊपर मूव होते जहाँ जहाँ जाएगा हमारा बेस उस तरफ इंट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनपुट आएगा। उसके बाद डीएचपी टेम्परेचर सेंसर है, ये हमारा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो मॉनिटर करता है। अब इसको हमने पिन नंबर, ये जो होती है हमारी डिजिटल पिन होती है हमारी ESP में D0 लेके D8 तक, तो हमने D1 पिन पे DHT सेंसर का इनपुट लगा दिया है। अब अपने ये सराउंडिंग की जितनी भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है उसको एक्सेस करता है। और ब्लिंक IoT एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अपने ESP को वेब सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इसके नाम का ड्यूअल एक्सेस पैरामीटर नाम का एक हमने पेज बना दिया है, ठीक है भाई। इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसमें एक वर्चुअल पिन होती है, वर्चुअल पिन लेनी पड़ती है हमें कोडिंग में ही। अच्छा, ना वर्चुअल, हाँ ठीक, वर्चुअल पिन लेनी पड़ती है। तो हमने टेम्परेचर की वर्चुअल पिन दे रखी है, अगर यहाँ से देखेंगे ना इसे ओपन करके, टेम्परेचर की वर्चुअल पेन है V0। अच्छा, यहाँ से हम डाटा स्ट्रीम में सेलेक्ट करते हैं, मतलब कोड में करते हैं तभी दिखाता है ये। और अपने देखेंगे ह्यूमिडिटी की हमारी वर्चुअल पेन है V0। यहाँ से अपना सेलेक्ट करके अपना नेम देके ये हमारा वो एक्सेस कर देता है। अब जैसे इसको हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। मैं इसको ब्लो करें, चाहे ब्लो करें ब्लो करूँगा मैं हीट का। जी जी और जो उसके बाद ये वापस नॉर्मल होता है, नॉर्मल हो जाएगा, अपना डिले लेगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से थोड़ी देर में नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और टेम्परेचर का, टेम्परेचर अपना है, या तो आप देखो वर्चुअली ऐसे तो बनेगा, या तो सूरज के सामने जाओ सीधे आप, सूरज के सामने जाएगा तो सोचते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक आयरन, यहाँ पे आयरन है, आयरन को यूज कर सकते हैं। कोई रियल चीज़ तो है नहीं अपने पास। 14.1 है, 14.1 है, 14.3 हो गया, 14.7, धीरे धीरे हीट बढ़ रहा, 15 हो गया। ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। ये भी बात है, ह्यूमिडिटी कम हो गई है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक बार मैं लाइट वाला भी कर लूँ इसी ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे लाइट दिया, ये साइड मूव हुआ, यहाँ पे दिया इस तरफ मूव हो जाएगा, ये स्टार इसका इनपुट चला गया, हट गया, इससे इनपुट हट गया, या तो दोनों एक साथ में उधर से हाई कर दो। ये साइड हो गया, दोनों एक साइड हो गया। अच्छा ठीक है, कि मतलब ये एनर्जी भी, इससे हम लोग मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। पैनल है अभी हमारी एक एक वोट के 1.5 वाट का पैनल है ये, तो हमने क्या कर दिया दोनों पैनल को सीरीज में लगा के हमने एक LED को एज आउटपुट ले लिया है। अब अगर हम अपने पैनल की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज करें तो हमें वोल्टेज भी आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, तो उससे हम अपने कोई भी प्लान यूज कर सकते हैं। हाँ, इन फ्यूचर अगर हम लोग, हाँ ओके सही है भैया। आप भी फ्यूचर कौन से उसमें, फ्यूचर क्या पूरा नाम है? अच्छा, फ्यूचर इंस्टीट्यूट बरेली, फोर्थ ईयर। और आप भाई? थर्ड ईयर। टाइप बी केबल से आपको पावर लेनी पड़ेगी। ओके, अगर मान लीजिए कुछ भी, अगर मान लीजिए गड़बड़ हो गया तो फिर आप वापस फ्री में रिपेयर का हो सकता है? ओके ठीक है भैया, ओके थैंक यू भैया। सो मैं कल रात को एक प्रोजेक्ट लेके आ गया था, और अब सीन कुछ ऐसा है, प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा है, रुको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो ये जो सोलर पैनल की जो मूवमेंट थी,
तो फिर अपने सर लोगों ने कहा है कि ये जो मूवमेंट हो रही है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही है जितना इसको होना चाहिए। समझो मैं कहने का मतलब, कि जैसे कि अगर हम लोग, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, बस इतना समझ लो कि अभी इसकी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है। तो फिर अभी मैं वापस जा रहा हूँ वहीं पे, तो इसको वापस मैं दूंगा वहाँ पे और बनने के लिए, और फिर मैं लूँगा 14 तारीख को, और है अपना प्रोजेक्ट की डेट कब है, 16 तारीख तक। तो ये जो व्लॉग है वो 16 तारीख तक चलेगा और देखा जाएगा कि, और मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि भाई अपने यूनिवर्सिटी में कैसा होता है, प्रोजेक्ट का सीन कैसा है, कैसा बोलना पड़ेगा, कौन कौन क्या क्या बना रहे होंगे। ठीक है, तो व्लॉग में बने रहना, लंबा मतलब व्लॉग हो सकता है लंबा चले। और बात ये है कि मेरा 18 से प्रोजेक्ट मतलब वो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर है, तो फिर मैं पता नहीं ये व्लॉग कब अपलोड करूँ, तो सीन बहुत लंबा चलने वाला है। होपफुली यार आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, अभी चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो हाँ उन वहाँ की एक बात बहुत अच्छी है कि जब तक आप लोगों का प्रोजेक्ट जमा ना हो जाए तब तक वो हर एक चीज़, अगर इसमें कुछ भी खराबी आ गई प्रोजेक्ट में तो वो लोग खुद फ्री ऑफ कॉस्ट बना देंगे। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है और सही है एकदम। एंड में मैं वहाँ का पूरा रिव्यू करूँगा पूरे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो अभी मैं जाने वाला हूँ, तो चलो प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं और व्लॉग में बने रहो। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट, चलो।